एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुरा में स्थित आटा पट्टी जनूबी गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 25 किलोमीटर है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने नरेंद्र सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 2500 की आबादी एवं 1360 वोटरों वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। गाँव में 600 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 80 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 28 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 8 हैंडपंप को रिवोर कराया गया है। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 65 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री व मैन गेट का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पंचायत घर की बाउंड्री, आंगनबाड़ी केंद्र, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 163 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। नाम नरेंद्र सिंह, मैंने अपने गांव में जो विकास कार्य कराए हैं उनकी मैं आपको सूचना देता हूं। मैंने गांव में कम से कम 250 मीटर सीसी कराई, पुलिया बनवाई, सोलर लाइट मतलब स्ट्रीट लाइट लगवाई। बाकी गांव में अभी बहुत कार्य होना है, वो भी कार्य अभी चल रहे हैं और चलने वाले हैं। उनमें जो है फंड की कमी है तो वो अभी अगले जो 2017-18 में 18-19 में जो आएगा उसे पूरे कराए जाएंगे। मेन जो रास्ता है हमारा जो गांव का 500 मीटर का वो बहुत ख़राब है, उससे गंदगी फैली हुई है, उससे इतने घूरे के गड्ढे जो इतने पड़े हुए हैं उससे गंदगी फैली हुई गांव बहुत बुरी तरह। तो स्वच्छता का लोगों को संदेश दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का के बारे में लोगों को बता रहे हैं। और नए जो कार्य हैं वो फंड की वजह से रुके हुए हैं, जितना ज़्यादा फंड आएगा उतना ही गाँव में अच्छा विकास होगा। और विकास के रास्ते के साथ साथ ग्राम प्रधानों की स्थिति बड़ा दयनीय है, क्योंकि उनका 3500 रुपये मानदेय है, उससे अब क्या प्रधान करे, कितना अपना खर्च चलाए, क्योंकि इतना तो गाड़ी का पेट्रोल ही खर्च हो जाता है लोगों का। तो मानदेय की बहुत आवश्यकता है बढ़ाने की, और प्रधानों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि प्रधानों को कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलती। प्रधान ही जाने के बाद उनका कोई भी सरकारी तरफ लाभ नहीं मिलता, फिर वो रोड पर आ जाते हैं, इसलिए उनको पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। तो सरकार से हमारा यही संदेश है कि स्वच्छता के बारे में गांव में संदेश दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, इससे गांव स्वस्थ बने और सभी लोग आबाद रहे। ये रास्ता बहुत गलत है और ये बहुत गंभीर है, ये रास्ता समझना चाहिए। कीचड़ बहुत होती है इसमें, कितने मीटर और ये कम से कम मेरे ख्याल से 700 किलोमीटर के।